मकर संक्रांति का महोत्सव इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा और ठाट बाट से सभी देव मंदिरों में विभिन्न आयोजन होंगे। क्या खास है इस महापर्व का, क्या महत्व है और क्या कह रहे हैं भक्त, क्या कह रहे हैं देव मंदिरों के पुजारी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मकर संक्रांति का महापर्व आ रहा है और मलमास की समाप्ति हो रही है, सब मंगल कार्य शुरू होंगे और ठाकुर जी के तुलसी विवाह भी होंगे और खूब आनंद ठाट से सभी मंगलमय कार्य होंगे। जगदीश मंदिर में हैं हम और यहाँ पर किस तरह की तैयारी हो रही है और क्या खास होगा मकर संक्रांति के अवसर पर, क्या भक्त लोग किस रूप में दर्शन कर सकेंगे, क्या दान पुण्य कर सकेंगे और इस मकर संक्रांति का क्या महत्व है दर्शन करने का और दान पुण्य का। हमारे साथ में पुजारी जी रामगोपाल जी हैं, बताएं किस तरह का महोत्सव बनाया जाएगा यहाँ पर और क्या महत्व है इस मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का महत्व यह है कि मकर राशि से चंद्रमा एक्साइट होगा और शुभ कार्य स्टार्ट प्रारंभ हो जाएंगे। ये मलमास कहलाता है, मलमास में मरमीना भी बोलते हैं इसको, इसी भाषा में मरमीना। ये 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक माना जाता है। इसके बाद आप 14 जनवरी से पुण्यकाल मकर संक्रांति का पुण्यकाल जो 14 रात में बैठता है, इस वजह से 15 को मनाई जाए। इस पर भगवान का केसरा कसुमल श्रृंगार होगा, मेवाड़ी पाक होगी और इस तरह से झीमड़े में खींच होगा, खिचड़ी पकवान होंगी, अलग अलग मिठाइयाँ होगी, इस तरह भगवान की नैवेद्य लगाया जाएगा। और इसमें तिल का ज़्यादा महत्व है, तिल के लड्डू, तिल की पापड़ी, तिल की मिठाई और तिल के तेल के व्यंजन भी बनाए जाएंगे, वो भगवान को भोग लगाए। ये तो इस मकर संक्रांति का। और इस मंदिर में 15 को मनाई जाएगी भव्य अन्नपूर्णा भंडार चलेगा, भगवान सुबह से नैवेद्य रोकने के बाद भक्तों को जिमाए जाएंगे, जो भी आएगा जो माँ प्रसाद किए बिना नीचे नहीं। इस वजह से ये पर्व बहुत ही अधिक सुंदर है और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मकर संक्रांति का लाभ ले और दर्शन कर ले और माँ प्रसाद का भी ले। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से जो मिठाइयाँ बनती हैं, तिल के लड्डू हो या गजक हो या तिल की तिल पट्टी हो, विशेष रूप से बाजारों में इस बार आकर्षक रूप में आई है। मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष रूप से कच्चे तिल का दान किया जाता है। उसके उपलक्ष्य में अपन ने अरोड़ा स्वीट्स पर लड्डू, तिल वाले लड्डू बनाए हैं और बहुत सी विभिन्न वेराइटियाँ है, गजक वगैरह है, तिल के लड्डू हैं, ये सभी चीज़ें अभी इस मौसम में काम आती है और मकर संक्रांति पर देने के लिए भी काम आती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ संक्रांति का त्यौहार 15 तारीख को मनाया जाएगा। इसमें हमें लड्डू, तिल के लड्डू बनाएंगे, तिल कुट्टा बनाएगा और चावल खिचड़ी बनाई जाएगी, खीच बनाया जाएगा और ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा। और हमारे घर में बच्चों को भी, सबको इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है कि कब संक्रांति आए, बच्चे लड्डू खाए और सबको अति खुशी रहती है। और ये जनवरी का माह और पौष माह, इसमें दान पुण्य का बहुत माध्य दिया गया है और इसमें हम सब हंसी खुशी मिल के सब संक्रांति मनाते हैं। दहलीज में गोबर का रेलू बनाकर पूजा की जाती है और संक्रांति की सारी धर्म पुण्य, दान पुण्य, मंदिर का जो भी ठाकुर का सब उनमें रखा जाता है सीधा, और उसमें सब आनंद आता है और सब मिलके भजन कीर्तन करते हैं। मैं आपको एक कर्मा भाई का खिचड़ा भजन सुनाने जा रही हूँ जी। जय श्री कृष्णा।
जीमो जीमो मारा मदन गोपाल गर्मा भैरो की जय। तारा तो प्रभु प्रेम पुजारी गया तीर्था माई, जाता जाता दे गया मन से वारी बराबर। जद आई तारा मंदरिया रे माई, कर्मा भैरो की चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा भैरो की चढ़ लो। इस प्रकार से भजन कीर्तन किए जाते हैं और गेंदु के भजन भी गाए जाते हैं ठाकुर जी के, और अति खुशियां मनाई जाती है। सबको मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस यह त्यौहार 14 या 15 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन गुड़ या तिल के लड्डू बनाए जाते हैं।